इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मजलिसों के अंदर उनके तज़किरे को थोड़ा सा खौफ की फिजा में पेश किया जाता है। नहीं नहीं, इस्लाम कब बेखौफ हुआ? जब उसको कंधा को तालिम न दिया। वो मोहसिन आज जितनी मदरसे दरसगाहें खानकाहें कायम हैं उनके किस ताकत पर कायम है? अब वो तालिम के कंधे की ताकत पर कायम। आज अगर वो हट जाए कंधा तो हर शह गिर जाएगी, दलीलें किसी काम में नहीं आएंगी। अबू तालिब की गैरत के तर्जमान बन जाओ, मज़हर बन जाओ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम महसूस कर रहे हैं आलम इस्लाम के अंदर अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हुर्मत लोगों के अकीदे का नूर बन रही है। और आज अबू तालिब अलैहिस्सलाम का वो किरदार उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत बना, आज उस किरदार को बेहतरीन महसूस में अगर उम्मत देखना चाहती है तो ये जाते वाला से बात उस किरदार का आईना है। इनके दामन से वाबस्तगी महल सवाब नहीं है, किरदार है। मेरे आका सवाब की बातें थोड़ी बरताते हैं, ललकार कर किरदार की हुर्मत हमें मुंतकिल कर रहे हैं। आज किस चीज की जरूरत है? हम जरूर सरफनाक पढ़ेंगे, जरूर ये बातें करेंगे, लेकिन उसका एक अपना दौरानिया हुआ करता है। हर वक्त तस्बीह काम नहीं देती, तस्बीह का एक अपना किरदार है। और गैरत खुदा बनकर मैदान में कूद जाना एक अपना मकाम है। तकरीर सुनाऊंगा आपको मीठी बातें क्योंकि आप सुनने के कायल हैं, लेकिन कभी कभी हक भी सुन लिया जाता है क्योंकि आज वक्त है इस्लाम का। अभी मैं कनेडा टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा खिताब था लाइव, वहां शोर शराबा है हुर्मत फातिमा ज़हरा के हवाले से, बहुत सारे लोग थे। मैंने मुझे हैरत हुई और मुझे पर सवाल करने लग गए। मैंने चूंकि किताब लिखी है सईदा कायनात की इस्मत पर, न जाने वहां तक कैसे आवाज गई। आज तकरीबन मैंने 2.5 घंटे उनकी इस्मत पर गुफ्तगू की है। आज याद रखिए, अगर हमारा किबलाए मोहब्बत काबा ईमान मरकजे वजाहत अगर आज मुतासर हो जाए, लफ्जों की ओट में चला जाए, तो हम उसवा कहां से लाए? उसवा जरूरी है, उसवा जरूरी है। अहले इल्म से मैं गुजारिश करता हूं कि मज़हबी अफकार